અને હવે વાત આજથી ખુલેલા મંદિરોની। यात्राधाम शामळाजी मंदिर आज थी भक्तों माटे खुल्लू मुकवामां आव्युं छे। आज थी भक्तो भगवान शामळियाना दर्शन करी शके छे। मंदिर तेना नियत समय ज्यां सवारे 6 थी रात्रे 8 वाग्या सुधी खुल्लू रहेशे। कोरोनाने पगले छेल्ला 1.5 महिनाथी मंदिर बंध करी देवायुं हतुं। सरकारनी गाइडलाइन अनुसार नियमो साथे भक्तोने मंदिरमां प्रवेश आपवामां आवी रह्यो छे। भक्तोए सोशियल डिस्टन्स अने मास्कनो उपयोग फरजियात करवानो रहेशे। एसओपीनुं पालन अने तेनो अमल फरजियात छे। गीर सोमनाथ महामारी की ज्यां बीजी लहर बाद 61 दिवसे सोमनाथ मंदिर ना दर्शन माटे भाविकों प्रवेश। भाविको चुस्त गाइडलाइन ना प्रारंभ साथे मंदिर में प्रवेश्या छे। प्रातः आरती बाद भाविकोए सोमनाथ दादा ने महामारी थी विश्व मुक्त थाय तेवी प्रार्थना करी। देवनुं मंदिर आजथी भाविकों माटे खुली रह्युं छे। खास करीने आप दृश्यमां जोई शको छो के जे प्रमाणे वैश्विक महामारी कोरोनानी बीजी लहेरने लई अने 61 दिवस सोमनाथ महादेवनुं मंदिर छे ते भाविकोने दर्शनने लईने बंध रह्युं हतुं। जो कि कही शकाय के 61 दिवस बाद आजे ज्यारे महादेवनुं मंदिर छे ते भाविकों माटे खुली रह्युं छे त्यारे भाविको पण मोटी संख्यामां सोमनाथ महादेवना दर्शन करवा माटे उमटी पड्या छे। खास जोवा जईए तो जे प्रमाणे गत वर्षे पण 82 दिवस सुधी लॉकडाउनमां महादेवनुं मंदिर छे ते भाविकों माटे बंध रह्युं हतुं त्यारे आज रोज फरी जयरे 61 दिवस बाद बीजी लहर में खुली रही है तरह भाविकों मोटी संख्या में आ रहा है। सुस्तपणे जो सरकार की गाइडलाइन हो कोरोना की गाइडलाइन होस्तपणे पालन कर मंदिर अंदर प्रवेश कर रहा है। तो मंदिर में त्रय पहर की जो आरती होमा जो भाविको से दर्शन करने प्रतिबंध रखा है। दिनेश सोलंकी, न्यूज 18 गुजराती, गीर सोमनाथ। बनासकांठामां बोगस तबीबोनी वाहरे आव्या छे वधु एक धारासभ्य। वावना धारासभ्य ज्ञानीबेन ठाकुरे पण डेप्युटी सीएम ने पत्र लख्यो छे। गामडाना डॉक्टर विरुद्ध थती कार्यवाही बंद करवाने लईने तेमणे विनंती करी छे। गामडाना बोगस तबीब विरुद्ध कार्यवाही थी ग्रामीण लोको जे छे तेमनामां रोष छे तेवो तर्क तेमणे रजू कर्यो छे। दियोदर बाद वावना धारासभ्ये पण बोगस डॉक्टरनी तरफेण करी छे। उल्लेखनीय छे के गईकाले सीएमए पण आ बाबतने लईने कह्युं हतुं के आ सारी वात नथी, परंतु जेटला पण बोगस डॉक्टर छे તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ચોક્કસથી થશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું। તો કોંગ્રેસના વધુ એક ધારાસભ્ય બોગસ ડોક્ટરની તરફેણમાં આવ્યા છે। જેની બહેને પત્ર લખ્યો છે અને કાર્યવાહી ન થાય તેવી વિનંતી કરી છે।